दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के जितने भी मेथड हैं, जितने भी शॉर्ट ट्रिक हैं, वो सीखने वाले हैं और कौन सी शॉर्ट ट्रिक सबसे बेस्ट है वो भी आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के नॉर्मली तीन तरीके होते हैं। एक तो दोस्तों है इक्विवेलेंट रेट ऑफ सीआई, यानी चक्रवर्ती ब्याज की समतुल्य दर। जैसे आपने समतुल्य डिस्काउंट पढ़ा होगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट समतुल्य बट्टा, जैसे डिस्काउंट समतुल्य होता है वैसे सीआई के रेट भी क्या है, समतुल्य निकाल लेते हैं। ये कैसे निकालते हैं दोस्तों, वो आपको मैं बताऊंगा। जैसे मान लीजिए हम डिस्काउंट में करते हैं ना, कि एक दुकानदार पहले 10% का डिस्काउंट देता है, फिर 20% का डिस्काउंट देता है, तो समतुल्य डिस्काउंट क्या होगा, कुल मिलाकर कितना डिस्काउंट दिया, तो हम निकालते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट। वैसे हम क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेट ऑफ सीआई, 2 साल की सीआई की रेट निकाल लेंगे। जैसे 10% है पहले साल की चक्रवृद्धि ब्याज की दर, 20% है दूसरे साल की, तो दोनों को मिलाकर कितना बनेगा, 32% बनेगा। अब ये कैसे बनता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला भी आपको मैं बताऊंगा। जैसे 20% है चक्रवृद्धि ब्याज की दर, तो ये 2 साल में हो जाती है 44%, 3 साल में हो जाती है 72.8%। इन्हें आपको निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट इनको निकाल सकते हैं। एक दो बार आप ट्राई करोगे तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ये कैसे आएंगे दोस्तों, आगे हम सीखेंगे। तो हमारा जो पहला जो तरीका है दोस्तों, वो है कि सीआई की जो रेट है उसका समतुल्य निकालना, इक्विवेलेंट निकालना। दूसरा तरीका दोस्तों, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड भी दोस्तों काफी फेमस है। इसके अंदर क्या करते हैं, प्रिंसिपल व अमाउंट का रेशियो निकालते हैं, प्रिंसिपल व अमाउंट का रेशियो निकालते हैं। ये तरीका दोस्तों कहां से आया, ये जो सीआई निकालने का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 इसकी पावर t, यानी टाइम। इस वाले फॉर्मूले से दोस्तों ये वाला फॉर्मूला बना है। बस क्या करना है, p से दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा a/p और इधर 1 + r/100 की पावर t। अब क्या करेंगे, p व a का रेशियो निकाल लेंगे, तो p इज इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला। इसको हम और सिंपल फॉर्म में अगर आगे लिखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 LCM ले लेंगे और ये वाली फॉर्म आ जाएगी। तो p वाली वैल्यू तो कौन सी होगी, नीचे वाली, यानी ये तो आ जाएगी 100, और अमाउंट क्या होगा, ऊपर वाला 100 + r, और इसकी पावर क्या है, t। यानी 1 साल है तो एक बार लिखेंगे, 2 साल है तो दूसरे साल की रेट लिखेंगे, 3 साल है तो तीसरे साल की, फिर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये दोस्तों होता है रेशियो मेथड। एग्जाम्पल से मैं बताऊंगा तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तीसरा तरीका होता है दोस्तों ट्री मेथड, ये भी काफी फेमस है, यानी इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। जो आपको प्रिंसिपल दे रखा, मूलधन दे रखा, जैसे मूलधन दे रखा है 5,000 रुपये, तो इसके ऊपर दोस्तों पहले साल की ब्याज की दर है 10%, तो इसका क्या निकालेंगे, सबसे पहले इसका इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, जो दूसरे साल की दर है उसका इंटरेस्ट निकालेंगे। पहले साल वाले इंटरेस्ट पर दूसरे साल फिर से क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। तो ऐसे दोस्तों हम इस वाले तरीके से भी प्रश्न सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों, इन तीनों में से बेस्ट मेथड कौन सा है, ये डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। यानी आपको जो प्रश्न के अंदर चक्रवर्ती ब्याज की जो रेट दे रखी है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि इनमें से कौन सा मेथड अप्लाई करना है, जिससे हम आसानी से वह फास्ट पर्सन सोल्व कर सकें। अब हम एग्जाम्पल से सीखते हैं। दोस्तों, पहला मेथड है इक्विवेलेंट रेट ऑफ सीआई, चक्रवर्ती ब्याज की समतुल्य दर। दोस्तों, ये वाला मेथड कब अप्लाई करना है, जब आपको दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर इंटीजर दे रखी है, पूर्णांक नंबर। चक्रवर्ती ब्याज की जो दर है वो आपको अगर कोई इंटीजर नंबर दे रखा, कोई पूर्णांक दे रखा है, तब ये वाला तरीका सबसे बेस्ट है। इंटीजर का मतलब होता है दोस्तों 1%, 2%, 5%, 10%, यानी कोई भी पूर्णांक होना चाहिए। एग्जाम्पल समझते हैं। प्रश्न दे रखा है दोस्तों प्रिंसिपल है 5,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 8%, यानी पूर्णांक है, इंटीजर है। अब हमसे पूछा है सीआई ऑफ 2 ईयर, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज याद करें, सीआई ऑफ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर का चक्रवर्ती ब्याज याद करें, डिफरेंस ऑफ सीआई एंड एसआई, यानी 2 साल के सीआई व एसआई का अंतर ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका
समतुल्य रेट निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेट निकालेंगे। दोस्तों 2 साल का निकालने का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है कि R1 + R2 R1 × R2 / 100। यानी 2 साल की जो दर है सबसे पहले उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे। ये दोस्तों फॉर्मूला होता है। यहाँ पर R इज इक्वल कितना है 8, दूसरे साल भी कितना है 8 + 8 × 8 / 100। इधर से कितना हो जाएगा 16 × 16 और 64 100 से डिवाइड करें तो 0.64। ये हो गए दोस्तों, जब चक्रवृद्धि ब्याज की दर 8% है तो 2 साल में कितनी हो जाएगी, ये समतुल्य हो जाएगा 16.64%। यानी 2 साल के चक्रवृद्धि जो ब्याज की दर हो जाएगी वो 16.64% हो जाएगी। तो पहला प्रश्न है सीआई ऑफ 2 ईयर। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम ये पहला जो आंसर इसका होगा मूलधन का 16.64% निकाल लेंगे। डायरेक्ट क्या करेंगे 16.64% निकाल लेंगे, क्योंकि जब 8% है 2 साल में ये इतना बन जाएगा। तो डेसिमल से डेसिमल यहां पर ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे लगा देंगे 2 0 3 0 कैंसिल होगा, 5 से काटेंगे तो 2, तो हो जाएगा दोस्तों 832 रुपए। यानी 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 832 रुपए। दूसरा प्रश्न है दोस्तों सीआई ऑफ सेकंड ईयर, केवल यहां पर दूसरे साल का निकालना, ओनली टू सेकंड ईयर का। तो क्या करेंगे, 2 साल का कितना है, 2 साल का है 16.64%, इसमें से माइनस कर देंगे पहले साल का, पहले साल का क्या है 8%। अब बचा हुआ क्या हो जाएगा, बचा हुआ होगा ओनली सेकंड ईयर का, तो इसमें माइनस करेंगे तो 8.64%। तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल का मूलधन का डायरेक्ट क्या करेंगे 8.64% निकाल लेंगे। तो यहां पर 0 काटेंगे तो नीचे 2 आएगा 432 रुपए। यानी केवल सेकंड ईयर का जो ब्याज हो कितना हो जाएगा 432 रुपए। दोस्तों हो सकता है आप ये ट्रिक पहली बार देख रहे हैं तो थोड़ी सी आपको अलग लग रही है, लेकिन बहुत ही इजी है, आपको पेन भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए यहां पर हमने क्या किया, 8 का क्या क्या स्क्वायर किया और इधर क्या 8 का डबल। जैसे मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%, तो सबसे पहले क्या करेंगे 7 का स्क्वायर करेंगे 49। यहां पर 2 ही डिजिट लेनी है, 2 डिजिट इसलिए लेनी क्योंकि 100 से डिवाइड है, फिर क्या आएगा डेसिमल, फिर 7 का क्या कर देंगे डबल कर देंगे। ये दोस्तों फॉर्मूला होता है। अगर मान लीजिए 12% है, चक्रवर्ती ब्याज की दर क्या है 12%, सबसे पहले क्या करेंगे 12 का स्क्वायर करेंगे 144, तो यहां पर 2 ही डिजिट लेनी है, 44 कैरी कितना करेगा 1, फिर ये आप आता डेसिमल, फिर 12 का क्या करेंगे डबल, 12 × 2 = 24 × 1 = 25, यानी 25.44%। दोस्तों इस प्रकार से क्या करना है आपको, 1 से लेकर 20 तक के जितने भी जो रेट हैं इनका क्या करेंगे, 2 साल का 3 साल का आप एक टेबल बना लो, एक पेज के अंदर ये आसानी से आ जाएंगे, 2-3 बार आप ट्राई करोगे तो आपको याद भी हो जाएंगे, आपको निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब इसके अंदर तीसरा प्रश्न है डिफरेंस ऑफ सीआई एंड एसआई ऑफ 2 ईयर, यानी 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है। दोस्तों अब तीसरा प्रश्न इसमें, यानी क्या निकालना है, सीआई व एसआई का अंतर निकालना है। सीआई कितना है, 2 साल का जो सीआई है दोस्तों वो है 16.64%, ये क्या है सीआई। और एसआई, एसआई आपको पता है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज में हमेशा क्या होता है मूलधन सेम रहता है, तो रेट भी क्या रहेगी सेम, पहले साल 8% है, दूसरे साल भी क्या रहेगी 8%, तो 2 साल में हो जाएगी 16%, 16%, तो इनका अंतर कितना आ जाएगा 0.64%। यानी सीआई व एसआई का अंतर कितना आ जाएगा 0.64%। तो क्या करें, डायरेक्ट प्रिंसिपल का जो हमें दे रखा है उसका 0.64% निकाल लेंगे, डेसिमल हटाएंगे तो ये अपन नीचे आएगा, 2% काटेंगे तो 32, ये होगा दोस्तों D2। अब है दोस्तों अगला एग्जांपल, प्रिंसिपल दे रखा है 10,000 रुपये, पहले साल की दर है 10%, दूसरे साल की है 20%। यानी यहां पर क्या दे रखा है, रेट अलग अलग दे रखी है, लेकिन ये क्या है इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। सीआई ऑफ 2 ईयर, सीआई ऑफ सेकंड ईयर और D2, यानी तीनों सेम प्रश्न हमसे पूछे हैं, उसी तरीके से दोस्तों हम इनको सोल्व करेंगे। दोस्तों 2 साल का जो निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको बताया था, R1 + R2, R1 कितना है 10%, R2 कितना है 20, प्लस दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 100 से, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा 2, तो इनको जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 32%।
दोस्तों, यानी जब चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% है और 2 साल कितनी है 20%, तो इनका जो समतुल्य बनेगा, इक्विवेलेंट रेट बनेगा, वो कितना बन जाएगा 2 साल में 32%। आपको निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी दोस्तों, आप माइंड में भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, एक बार इनको प्लस करना है और फिर इसको मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना है, तो कितना आएगा 32%। पहला प्रश्न है सीआई ऑफ 2 ईयर, तो 2 साल की ब्याज की दर कितनी होगी 32%, तो 10,000 का डायरेक्ट 32% निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 3,200 रुपए। दूसरा है सीआई ऑफ सेकंड ईयर, ओनली सेकंड ईयर का पूछा है, तो 2 साल का कितना है 32%, इसमें से माइनस कर देंगे पहले साल का, पहले साल का कितना है 10%, अंतर कितना आ जाएगा 22%। ये जो 22% है ये ओनली सेकंड ईयर का है, किसका है ओनली सेकंड ईयर का, तो 10,000 का जब 22% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2,200 रुपए। तीसरा दोस्तों, इसके अंदर डिफरेंस सीआई व एसआई का डिफरेंस, सीआई कितना है, सीआई है 32% माइनस एसआई यानी साधारण ब्याज, साधारण ब्याज में प्रिंसिपल भी क्या रहता है सेम रहता है, तो रेट भी क्या रहेगी सेम रहेगी, पहले साल 10% दूसरे साल 20, तो 2 साल में कितनी हो जाएगी 30%, तो जो इसका जो अंतर होगा ये हो जाएगा 2%, यानी क्या करना है 10,000 का 2% निकालना, कितना हो जाएगा 200 रुपए। इस प्रकार से दोस्तों हम इनको सोल्व कर सकते हैं। अगला एग्जांपल है दोस्तों, प्रिंसिपल दे रखा मूलधन 8,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, सीआई ऑफ 3 ईयर यानी 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, सीआई ऑफ 3rd ईयर तीसरे साल का, और D3 3 साल के सीआई व एसआई का अंतर। दोस्तों यहां पर आर क्या है 10% यानी इंटीजर, तो हम उसी वाले फॉर्मूले से ट्राई करेंगे। दोस्तों इक्विवेलेंट रेट वाले के अंदर 2 साल का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, 2R decimal R² ये फॉर्मूला होता है, या फिर आप R1 + R2 ये सेम ही है, बस यहां पर क्या करना है 2 डिजिट लेनी है, बाकी आगे कैरी कर देनी है। इसी प्रकार से जब रेट सिंपल ओ सॉरी रेट जब सेम हो, यानी 3 साल की रेट सेम हो, तो 3 साल का फॉर्मूला होता है 3R decimal 3R² R³। दोस्तों मैंने जो आपको पिछले एग्जांपल में बताया था वो वाला फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम ही है, बस मैंने इसको सिंपल फॉर्म में लिख दिया है। 3 साल का फॉर्मूला होता है दोस्तों 3R decimal 3R² R³, इससे भी 2 अंक लेने हैं, इससे भी 2 अंक लेने हैं, बाकी जो बचेंगे वो आगे कैरी कर जाएंगे। देखिए 10% है, सबसे पहले क्या करेंगे आर क्यूब, 10 का क्यूब कितना होता है 1000, 1000 में से 2 ही अंक लेने हैं, बाकी बचेगा कितना 10, ये कैरी कर जाएगा। 3R² 10 का स्क्वायर 100, मल्टीप्लाई करें 3 से तो 300, उसमें 10 जोड़ दें 310, 2 ही डिजिट लेने हैं, 10 कैरी कितना करेगा 3, फिर डेसिमल 3R 3 × 10 = 30 और +3 ये कैरी वाला, तो 33 यानी इसको सिंपल फॉर्म में लिख सकते 33.1%। दोस्तों ये आपको मैं अभी निकाल कर बता रहा हूँ, बाकी आपको निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% है 2 साल में हो जाएगी 21%, 3 साल में 33.1%। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 5% है 2 साल में हो जाएगा 10.25% और 3 साल में हो जाएगा 15.7625%। दोस्तों बस एक बार आपको थोड़ा सा टफ लग रहा है, बाकी एक दो बार आप ट्राई करोगे ना, एक लिस्ट बना लो आप 2 साल व 3 साल वाले की, आसानी से याद हो जाएंगी। तो अब दोस्तों हम प्रश्न सोल्व करते हैं। पहला प्रश्न है सीआई ऑफ 3 ईयर, तो 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है 33.1%, तो क्या करेंगे डायरेक्ट प्रिंसिपल का 33.1% निकाल लेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये 3 साल का इक्विवेलेंट रेट है, समतुल्य दर, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8 और ये 2,648 रुपए। दूसरा प्रश्न है सीआई ऑफ 3rd ईयर, यहां पर केवल तीसरे साल का पूछा, केवल तीसरे साल का, तो क्या करेंगे 3 साल वाले में से माइनस कर देंगे 2 साल का, तो जब रेट ऑफ 10% है तो 2 साल में कितनी हो जाएगी 21%, तो शुरुआत की 2 साल वाली माइनस कर देंगे तो बचेगी किसकी, तीसरे साल की बचेगी, तो यहां से दोस्तों आ जाएगा 0.112 ये परसेंट, 12.1%, तो डायरेक्ट क्या करेंगे प्रिंसिपल का डायरेक्ट 12.1% निकाल लेंगे, तो 8 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं 8 और ये यानी 968 रुपए, ये किसका हो जाएगा ओनली तीसरे साल का
सी आई। तीसरा प्रश्न दोस्तों इसमें डी थ्री यानी 3 साल के सी आई व एस आई का अंतर। सी आई कितना 3 साल का 33.1% माइनस एस आई कितना होगा 1 साल का 10% है, 3 साल का कितना हो जाएगा 30% माइनस कर देंगे तो 3.1% क्या करेंगे डायरेक्ट जो प्रिंसिपल है उसका 3.1% निकाल लेंगे तो ये डेसिमल हटेगा तो वही 8 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 248 रुपए। अगला एग्जांपल है दोस्तों प्रिंसिपल दे रखा है 15,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल की 10%, दूसरे साल की 20%, तीसरे साल की 30%, यानी क्या है इंटीजर है और हमसे क्या पूछा है सेम पर्सन पूछा दोस्तों 3 साल का, यहां पर मैंने लिख नहीं रखा, सेम पर्सन है 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, थर्ड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज और डिफरेंस सी आई व एस आई का अंतर। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे हम सेम तरीका है इक्विवेलेंट निकालेंगे, इनका क्या करेंगे इक्विवेलेंट निकालेंगे। यहां पर 3 साल का दे रखा है तो इसका इक्विवेलेंट रेट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इन दो को ले लेंगे, आप कोई भी दो ले सकते हैं, आप इन दोनों को भी ले सकते हैं, आप इन दोनों को भी ले सकते हैं, इनमें से आप कोई भी दो रेट लेकर 2 साल का सी आई निकाल सकते हैं उसके रेट। सबसे पहले मैं इन दोनों को ले लेता हूं तो 10 + 20 कितना हो जाएगा 30 प्लस इनका क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे 100 से तो कितना आएगा 2 यानी 32%, इन दोनों का कितना होगा 32%, ये इसका रिजल्ट होगा इन दोनों का। अब इन दोनों को ले लेंगे 3 साल का निकालना है तो क्या करेंगे पहले साल ये और फिर दूसरा और क्या करेंगे इनको मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये जाएगा 62 प्लस 10 से 10 कैंसिल तो 9.6 तो यह हो जाएगा 71.6%। तो दोस्तों जब चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% 20% 30% है तो 3 साल में बन जाएगा 71.6%, आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं 71.6%। तो पहला प्रश्न है कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो डायरेक्ट क्या करेंगे मूलधन का डायरेक्ट हम 71.6% निकाल लेंगे। दोस्तों 3 साल का जब दर अलग अलग हो तो ये तरीका पहले कोई भी दो ले लो आप, ये दोनों ले लो फिर इसका जो रिजल्ट आएगा उसका इसके साथ निकाल लो, फॉर्मूला सेम है R1 + R2 + R1 × R2 / 100 तो यहाँ से 0 से कैंसिल हो जाएगा 15 × 6 = 90 और ये 4 × 2 = 107 ये होगा दोस्तों 3 साल का सी आई। अब थर्ड ईयर का, ओनली थर्ड ईयर का पूछा है तो 3 साल का तो 71.6% है माइनस 2 साल का माइनस कर देंगे तो तीसरे साल का आ जाएगा, पहले साल का ये है दूसरे साल का ये, दोनों का कितना हो जाएगा 32%, इसमें से माइनस कर देंगे तो ओनली तीसरे साल का आ जाएगा यहाँ से आएगा 9 और ये 39.6%। तो क्या करेंगे 15,000 का डायरेक्ट इतना निकाल लेंगे, तो दोस्तों इससे कैंसिल हो जाएगा 15 × 6 = 90 ये और 5,940 रुपए ये हो जाएगा ओनली थर्ड ईयर का। तीसरा दोस्तों सी आई व एस आई का अंतर 3 साल का यानी D3 का मतलब होता है 3 साल के सी आई व एस आई का अंतर, D2 का मतलब होता है 2 साल के सी आई व एस आई का अंतर। तो सबसे पहले सी आई कितना है 3 साल का 71.6% माइनस एस आई, तो क्या करेंगे डायरेक्ट इनको जोड़ देंगे 10 + 20 = 30 और ये 60 यानी 3 साल का कितना हो जाएगा साधारण ब्याज 60% तो हो जाएगा 11.6%। तो क्या करेंगे डायरेक्ट 15,000 का 11.6% निकाल लेंगे तो यहाँ से दोस्तों हमारा ये इसका आंसर आ जाएगा तो 1740 रुपए। अगला मेथड है दोस्तों रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल व अमाउंट का रेशियो निकालकर हम सीआई निकाल सकते हैं। सीआई के साथ साथ दोस्तों हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर भी निकाल सकते हैं, 2 साल व दूसरे साल व तीसरे साल का भी निकाल सकते हैं। मैं एग्जांपल से आपको बताऊंगा। देखिए प्रिंसिपल दे रखा है आपको 1500 रुपए, R1 क्या है 10%, R2 क्या है 33/1/3%। प्रश्न पूछा है सीआई ऑफ 2 ईयर यानी 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछा है, तो इसको हम दोस्तों क्या करेंगे फ्रैक्शन में लिखेंगे। जब भी आप रेशियो मेथड अप्लाई करोगे तो इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, इससे इजी हो जाएगा। 10% को हम लिख सकते हैं 1/10
और 33 से 1/3% को लिख सकते हैं 1/3। दोस्तों परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। दोस्तों अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों 10% का मतलब 1/10, जो नीचे वाली जो वैल्यू होती है ये होती है दोस्तों प्रिंसिपल, ऊपर वाला होता है इंटरेस्ट। यहां पर 1/3 ये क्या है प्रिंसिपल और ये क्या है इंटरेस्ट। तो दोस्तों अब हम क्या निकालेंगे इनका रेशियो निकालेंगे। ये तो क्या है प्रिंसिपल, ये क्या है अमाउंट। पहले साल का प्रिंसिपल कितना है 10, अमाउंट अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो इसमें एक का इंटरेस्ट तो अमाउंट हो जाएगा 11। दूसरे साल का प्रिंसिपल कितना है 3, इसमें इंटरेस्ट एक का तो हो जाएगा 4। अब क्या करें इनको मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई क्यों करते हैं दोस्तों मैंने आपको बता दिया था। अब ये क्या बन गया इसका प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बन गया। अगर प्रिंसिपल 30 यूनिट है तो अमाउंट होगा 44 यूनिट। इनका अंतर क्या होता है सीआई कितना है 14, यानी यहां पर जो सीआई है चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना है 14 यूनिट है। तो यहां पर क्या दे रखा है प्रिंसिपल 1500, यानी 30 यूनिट की वैल्यू दे रखी है। हमें दे रखा है कि 30 यूनिट, आप इसको 30x 30y जेड कुछ भी मान सकते हैं, तो हो जाएगा यहां से एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। दोस्तों जब इसको हम 1500 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, एक यूनिट की वैल्यू आ गई दोस्तों 50 रुपए। और यहां पर सीआई कितना है 14 यूनिट, तो एक यूनिट की वैल्यू 50, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 700 रुपए। तो 2 साल का जो सीआई होगा वो होगा 700 रुपए। दूसरा प्रश्न है सीआई ऑफ सेकेंड ईयर, यानी इस वाले ट्रिक से हम केवल सेकेंड ईयर का भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों हम सेम तरीका है, बस थोड़ा सा अंतर इसमें प्रिंसिपल का व इसका अमाउंट का रेशियो निकालेंगे। दूसरे साल का पूछा ना, तो पहले साल का तो सेम रहेगा, ये 10 क्या है प्रिंसिपल, इंटरेस्ट एक का, तो अमाउंट 11 का। दूसरे साल का प्रिंसिपल कितना है 3, और यहां पर इंटरेस्ट कितना है 1। अब दोस्तों ध्यान से समझना, जब आपको केवल दूसरे साल का निकालना है तो यहां पर फिर दूसरे साल का इंटरेस्ट लिखेंगे, यहां पर दूसरे साल का केवल इंटरेस्ट लिखेंगे, अमाउंट नहीं लिखेंगे। क्योंकि अगर अमाउंट लिखेंगे तो फिर नीचे अमाउंट आ जाएगा, हमें क्या निकालना है केवल सेकंड ईयर का सीआई निकालना है। तो यहां पर जो भी सेकंड ईयर का इंटरेस्ट है, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है 1, तो यहां पर 1 लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 और यह आ जाएगा 11 यूनिट। तो ये तो रहेगा सेकंड ईयर का सीआई और ये रहेगा प्रिंसिपल, यानी 30 यूनिट बराबर है 1500, तो एक यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी, अभी हमने निकाली थी 50 रुपए, और यहां पर क्या है 11 यूनिट। ये क्या है सेकंड ईयर का, ओनली सेकंड ईयर का 11 यूनिट, एक यूनिट की 50 है तो हो जाएगा 550 रुपए। दोस्तों इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। इस वाले ट्रिक से दोस्तों हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर भी निकाल सकते हैं। दोस्तों अब हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालेंगे सेम ट्रिक से। प्रश्न हमारा क्या था प्रिंसिपल में दे रखा था 1500 रुपए, और पहले साल की दर थी 10% और दूसरे साल की 33 सही 1/3%, यानी इसका मान था 1/3, इसका मान था 1/10। तो क्या निकालना है सीआई व एसआई का अंतर निकालना है। तो सेम तरीका है प्रिंसिपल व अमाउंट, पहले साल प्रिंसिपल 10, एक का ब्याज तो 11 हो जाएगा, ये 3 का 4 हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना है 30 और ये क्या है 44, यहां से ब्याज कितना है 14 यूनिट, यानी सीआई कितना है दोस्तों 14 यूनिट है, 14 यूनिट, ये क्या है सीआई। अब एसआई कैसे निकालेंगे, देखिए पहले साल का जो प्रिंसिपल है 10, अमाउंट कितना है 11, तो ब्याज कितने का 1 का, ये क्या है साधारण ब्याज। अगर प्रिंसिपल 10 है तो साधारण ब्याज कितना है 1, लेकिन प्रिंसिपल एक्चुअली में है कितना 30 है, यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा, इसको इक्वल बनाना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 यूनिट, ये होगा दोस्तों एसआई पहले साल का। दूसरे साल का प्रिंसिपल है 3, 4 अमाउंट होगा, तो ब्याज कितने का 1 का। अगर प्रिंसिपल 3 है तो साधारण ब्याज कितना 1, लेकिन प्रिंसिपल एक्चुअल में है कितना 30, इक्वल करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 यहां से 10, यहां से 13, यानी एसआई कितना होगा दोस्तों एसआई होगा 13 यूनिट, अंतर कितना हो जाएगा 1 यूनिट, और 1 यूनिट बराबर कितना होगा दोस्तों अभी हमने निकाला था 50, यानी 50 रुपए। तो दोस्तों इससे हम अंतर भी निकाल सकते हैं। हो सकता है ये वाला तरीका आप पहली बार देख रहे हैं तो थोड़ा सा आपको अलग लग रहा है, अगर ये वाला अच्छा नहीं लगे तो दूसरा तरीका भी है दोस्तों, मैं आगे अगले एग्जाम्पल में बताऊंगा आपको, उससे भी निकाल सकते हैं। दोस्तों अगला एग्जाम्पल है
प्रिंसिपल दे रखा 8,800 रुपये, पहले साल की ब्याज की दर दे रखे 9 से 1/11%, दूसरे साल की 12.5%, तीसरे साल की 10%। सेम प्रश्न पूछा है, यहाँ पर क्या है, दर अलग अलग दे रखी है, सीआई ऑफ 3 ईयर, थर्ड ईयर व डिफरेंस। तो जब 3 साल का दे रखा हो तब हम कैसे निकालेंगे, रेशियो मेथड से। अभी हम रेशियो मेथड पढ़ रहे हैं दोस्तों। मैं केवल इस वीडियो के माध्यम से आपको तीनों तरीकों से प्रश्न कैसे सोल्व करते हैं वो बता रहा हूँ। हो सकता है किसी एक तरीका जो आपको अच्छा लगता है, जो आपने प्रैक्टिस की है, वो आपको पसंद आ जाए, दूसरा ना आए। लेकिन मेरा जो मतलब है वो सिर्फ आपको तीनों तरीकों से प्रश्न सोल्व करके बताना है। तो जो तरीका आपको नहीं पसंद आए तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, जो भी मेथड आपको इसमें पसंद आए वो आप चूज कर सकते हैं। बाकी वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सबसे बेस्ट है। बाकी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस मेथड से आप ज़्यादा प्रश्न सोल्व करते हैं। तो दोस्तों रेशियो मेथड में इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो इसको लिखेंगे 1/11, इसको 1/8। और इसको क्यों लिखा मैंने 1/8, दोस्तों मैंने आपको बता दिया था परसेंटेज वाले वीडियो में, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप सीख सकते हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और ये 1/10। नीचे वाला क्या होता है, प्रिंसिपल, ऊपर वाला इंटरेस्ट, सीआई ऑफ 3 ईयर। तो यहाँ पर प्रिंसिपल व अमाउंट का रेशियो निकाल लेंगे। पहले साल का प्रिंसिपल ये 11, इसमें एक ब्याज तो 12, ये 8, एक 9 और 10, एक 11। अगर आप इसको कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल कर भी सकते हैं, नहीं भी करना चाहो तो रहने दें। बाकी आप कैंसिल कर भी सकते हैं इसको, ये कल इससे कटता है, इसको आप काट भी सकते हैं, नहीं भी काटो तो भी सही है। तो 11 × 8, चलो इसको काट ही देते हैं। 11 से ये इधर, 4 से काटा ये 2, 4 से काटा ये 3, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 27। यानी प्रिंसिपल अगर 20 यूनिट है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 27, डिफरेंस कितना 7 यूनिट। यानी 3 साल का जो साधारण ब्याज है वो कितना है, 7 यूनिट है। वैल्यू किसकी दे रखी है, वैल्यू दे रखी है प्रिंसिपल की, यानी 20 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी है 8,800 रुपये। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो आ जाएगी 440 रुपये। ये हो गई दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू। तो यहाँ से 7 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0,28, 3,080 रुपये। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, इसमें सीआई ऑफ थर्ड ईयर, यानी ओनली तीसरे साल का पूछ रहा, ओनली तीसरे साल का। सेम तरीका दोस्तों, क्या करेंगे, इनका रेशियो निकालेंगे। यहां पर ध्यान रखना है केवल तीसरे साल का पूछा है, तो जो तीसरा साल का आएगा उसमें केवल इंटरेस्ट रखेंगे, उसके अंदर हम अमाउंट नहीं रखेंगे। तो पहले साल का तो सेम रखेगा, तो क्या है 11 और प्लस ये एक हो जाएगा तो 12 है, दूसरे साल का 8 का हो जाएगा 9। अब तीसरे साल का पूछा है, तीसरे साल का प्रिंसिपल कितना 10, और तीसरे साल का क्या पूछा, ब्याज पूछा, सीआई ऑफ थर्ड ईयर। तो तीसरे साल का ब्याज कितना 1, तो यहां पर 1 रखेंगे। यहां पर आप दोस्तों हम अमाउंट नहीं रखेंगे क्योंकि हमें क्या निकालना, तीसरे साल का ब्याज निकालना, तो यहां पर ब्याज निकालना तो केवल ब्याज रखेंगे। तो आप यहां पर कट करना चाहो तो कट कर भी सकते हैं, नहीं करना चाहो तो नहीं भी। तो ये हो जाएगा 880 यूनिट और ये हो जाएगा 108 यूनिट। ये क्या प्रिंसिपल है और ये क्या है, केवल थर्ड ईयर का ब्याज। तो प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी है यहां पर, ये दे रखी है, तो 880 यूनिट बराबर है 2800। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, 10 रुपये। और ये यहां पर कितना है, 108 यूनिट। तो इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1080। ये किसका होगा, ओनली थर्ड ईयर का सीआई, ओनली थर्ड ईयर का सीआई। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था, मैं सभी तरीकों से आपको प्रश्न सोल्व करना बता रहा हूँ। अगर आपको कोई तरीका टफ लग रहा है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। बाकी निकालते कैसे हर तरीके से वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वाले तरीके से ऐसे प्रश्न भी निकाल सकते हैं। अगला इसमें D3 यानी सीआई व एसआई का अंतर। तो दोस्तों इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वही प्रिंसिपल व अमाउंट का रेशियो बना लेंगे। तो यह पहले का 11 और ये हो जाएगा 12, 8 से 9 और 10 से 11। तो सबसे पहले क्या है, यानी सीआई व एसआई का अंतर। तो यहां से दोस्तों ये तो हो जाएगा 880 यूनिट और ये कितना हो जाएगा, 108, ये 1188 यूनिट। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, अमाउंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। दोस्तों जब भी आपको रेशियो मेथड से सीआई व एसआई का अंतर निकालना हो तब आप यहां पर कट ना करें, आप यहां पर डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई कर लिखना। जब आपको अंतर निकालना हो, अगर अंतर नहीं निकालना, आपको सीआई निकालना है या फिर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का निकालना है, तब आप इसको
कट कर कर सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन जब अंतर निकालना हो तब आप इसको कट ना करें, इसको मल्टीप्लाई करके लिखें पूरा। अब क्यों मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ से होगा 880 यूनिट, ये क्या प्रिंसिपल, ये क्या अमाउंट 1188। अब इसका अंतर कितना हो जाएगा, इसका जो अंतर आएगा वो आएगा दोस्तों यहाँ से 80 और 308, ये क्या है CI, यानी CI है वो कितना है दोस्तों 308 यूनिट है, ये है दोस्तों CI। अब ऐसा ही कैसे निकालेंगे, पहले साल का प्रिंसिपल है 11 और यहाँ पर ब्याज कितने का 1 का, जब प्रिंसिपल 11 है तो साधारण ब्याज कितना है 1, लेकिन प्रिंसिपल एक्चुअली में है कितना 880, इक्वल करना पड़ेगा 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा दोस्तों 80। दूसरे साल का प्रिंसिपल 8 है तो यहाँ पर ब्याज कितने का 1 का, तो जब 8 है तब साधारण ब्याज 1 का, लेकिन एक्चुअली में है कितना 880, मल्टीप्लाई करेंगे किससे 110 से, तो यहाँ पर ये 110 साधारण ब्याज हो जाएगा। यहाँ पर कितना 10 है तो यहाँ पर ब्याज कितने का 1 का, लेकिन एक्चुअली में प्रिंसिपल है कितना, प्रिंसिपल 880 मल्टीप्लाई किससे किया 88 से, इसको 88 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी किससे करेंगे 88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 88। अब ये होगा दोस्तों पहले साल का साधारण ब्याज, दूसरे साल का, तीसरे साल का, अब इनको ऐड कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा SI, तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों ये 8, 7 और ये 278 यूनिट, यानी ये हो जाएगा CI, हो जाएगा SI, इनका अंतर निकालना D3, तो D3 कितना हो जाएगा 30 यूनिट। तो दोस्तों 880 यूनिट बराबर ये गया प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल में कितना दे रखा था, प्रिंसिपल दोस्तों में दे रखा था 8,800 रुपये, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, तो यहाँ से 30 यूनिट, यानी एक यूनिट की वैल्यू 10 है तो 30 कितनी हो जाएगी 300 रुपये, यानी D3 कितना होगा दोस्तों 300 रुपये होगा। अब है दोस्तों CI निकालने का सबसे फेमस मेथड, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, यानी ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, ये क्या होता है CI का कॉन्सेप्ट होता है, और ये इसको बोलते हैं ट्री वाला फॉर्मूला। इसे परसेंट कैसे सोल्व करते हैं, प्रिंसिपल दे रखा है 10,000, पहले साल की ब्याज की दर कितनी है 18%, दूसरे साल की 15%, तो इससे परसेंट कैसे सोल्व करेंगे। देखिए हमें प्रिंसिपल दे रखा है 10,000, तो ऐसे हम ये पहले साल का, ये दूसरे साल का, अगर आगे भी दे रखा है तीसरे साल, तो ऐसे 3 साल का बना लेंगे, पहले साल की ब्याज की दर 18%, दूसरे साल कितनी है 15%, तो क्या करेंगे प्रिंसिपल का 18% निकाल लेंगे तो हो जाएगा ये 1800 रुपये, ये होगा पहले साल का ब्याज। दूसरे साल का क्या हो जाएगा, इसका 15% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1500 रुपये। अब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का मतलब होता है कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, तो ये जो पहले साल का जो ब्याज है इसके ऊपर दूसरे साल ब्याज लगेगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है दूसरे साल की 15%, तो 1800 का 15% कितना होगा, तो 0 से कैंसिल हो जाएगा 15 × 8 = 120, 12 और ये हो जाएगा 27, 270 रुपये। अब ये दोस्तों ये तो हो जाएगा पहले साल का, ये हो जाएगा दूसरे साल का। अब देखो पहले साल का ब्याज कितना है 1800 रुपये, दूसरे साल का ब्याज कितना हो जाएगा, इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1770 रुपये। और अगर हम साधारण ब्याज निकालना चाहिए SI, ऊपर वाली लाइन हमेशा साधारण ब्याज होगी तो हो जाएगा 3,300 रुपये। अगर हम CI निकालना चाहें तो सबको जोड़ देंगे, इसको और इसको, इन सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 3,570 रुपये। तो दोस्तों ट्री वाले मेथड से हम साधारण ब्याज भी निकाल सकते हैं, CI भी निकाल सकते हैं, पहले साल का भी निकाल सकते हैं, दूसरे साल का भी निकाल सकते हैं, इनका अंतर भी निकाल सकते हैं, यानी इस वाले तरीके से हम दोस्तों सभी प्रश्न सोल्व कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों डिपेंड करता है कि प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है। अगर सपोज हमसे पूछा गया है कि आप केवल CI निकालें, क्या निकालें CI, तो केवल CI निकालने के लिए आपको ये भी निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर इसी वाले प्रश्न को आप डायरेक्ट दोस्तों अगर इक्विवेलेंट रेट से करें, इक्विवेलेंट वाले यानी समतुल्य दर वाले प्रश्न से इसको सोल्व करें मेथड से, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, फिर क्या दूसरा इसमें था इनको मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना, तो 15 × 8 = 120, 12 और ये 27, 2.7, तो 35.7%। यानी डायरेक्ट क्या करना है आपको, प्रिंसिपल का 35.7% निकालना है और हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इसलिए मैंने आपको बताया था कि कौन सा मेथड कहाँ अप्लाई करना है, डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर।
आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसी दे रखी है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा डिपेंड ये करता है कि आप किस मेथड से ज़्यादा वाकिफ हैं, किस मेथड को आप ज़्यादा काम में लेते हैं, यूज करते हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आई होप दोस्तों ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई है ये आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।